लिए लग रही। ओहो लाइटिंग में। तो कल हम लोग जा रहे हैं, हमारी तैयारी है। वैसे हम लोगों ने आज जाना था लेकिन इतनी बारिश हुई कल परसों से, लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो इस वजह से रास्ते टूट गए थे। तो आज नहीं गए हम, तो कल जाने की तैयारी हो रही है। ये पैकिंग शुरू हो गई है हमारी, तो कुछ दिन पहले ही हो रहा था गांव जाना है गांव जाना है, और दिन कब पूरे हुए पता ही नहीं चला। एक मिनट यार, तेल ही जा कपड़ा ले ले जा कपड़ा ले ले जा ना है कि नहीं। हां 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 और अगर इससे दिन से भी हो सके तो कुछ दिन पहले ही मैंने अलमारी में कपड़े लगाए थे कि चलो भाई घर आ गए हैं, ढंग से कपड़े कुपड़े लगा लिए थे, और आज फिर से खाली कर दिए अब अपनी अलमारी को। नमस्कार दोस्तों, तो अभी आज हैं 30 जून और शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं। तो आज अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है क्योंकि कल से लगातार बारिश हो रही थी। कल दिन से 3:30 बजे से बारिश पड़ने लगी थी, और कल 3:30 बजे से लेकर पूरी रात से लेकर आज सुबह 11-12 बजे के बाद ही थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी बारिश से बहुत मतलब ये हो रहा था कि कब मौसम खुलेगा, तो बड़े मुश्किल से अभी मौसम खुला है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बाहर बैठ रखी हूँ। तो आज 30 जून हो गए हैं और हम लोगों की एक तैयारी है कल जाने की। तो वैसे हम लोगों को कल निकलना था, आज भी निकलना ज़रूरी था हमारा, क्योंकि पहली 1 जुलाई कल है तो इनका स्कूल है। तो आज ये हुआ कि कल से मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत बारिश हो रही थी, लगातार बारिश पड़ी, इस वजह से तो सड़कें टूट चुकी थी। तो इस वजह से हम लोग आज घर ही रहे, हमने कहा जब इतनी बारिश हो रही है सड़कें टूट रखी हैं तो कैसे हम लोग आगे का सफ़र कर पाएंगे। तो वैसे हमें आज बहुत ज़रूरी था निकलना, तो इसी वजह से हम आज गए नहीं हैं। तो कल तैयारी है, सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, तो देखते हैं कल तक कैसी बन जाएँ, शायद तो किसी न किसी तरीके से तो हमें तो पहुँचना ही पहुँचना है ऋषिकेश। और अभी कुछ तैयारी हमने की कर ली है जाने की, और कुछ तैयारी जो बाकी के थोड़ा बहुत कपड़े छूट रखे हैं वो रात को पैक हो जाएंगे। तो जिस दिन हम जाते हैं उस दिन ज़्यादा सामान नहीं होता है क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़े ही होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पैकिंग में। और जब घर आते हैं तो पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि घर के लिए सारा सामान लाना पड़ता है, यहाँ के लिए अपनी अपने खाने पीने का सामान हो गया और सब चीज़ें फल सब्जी सब चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं यहाँ के लिए, तो इस वजह से सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम यहाँ आते हैं। तो जब जाते हैं तो सामान काफ़ी कम रहता है क्योंकि सिर्फ कपड़ों की पैकिंग होती है। तो आज हमें गांव आए हुए 15 दिन हो गए, 15 दिन हुए अभी हमें, हाँ 14 को हम आए थे, 14 जून को, 14 जून को आए थे, और आज 30 जून है। तो ऐसे हो रहे हैं 16-17 दिन हो रहे हैं। तो इतनी जल्दी में से हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दी जा रहे हैं, जो जबकि हम आते हैं जून की छुट्टियों में आते हैं तो पूरा महीना रह के ही जाते हैं। इस वजह से इस बार ये हुआ कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट आए थे 14 जून को, और अभी जाने की तैयारी भी हो चुकी है हम लोगों की। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का क्योंकि इतनी जल्दी गाँव से जाने का मन नहीं करता है, और आज बहुत बुरा लग रहा है, घर को देख के याद आ रही है कि कल से कैसे हमारा घर रहेगा। तो अभी बाहर ही हूँ मैं,
और घूम रही हूँ क्योंकि कल से ये सब नहीं मिलेगा वहाँ जहाँ जाएंगे, ये सब बहुत मिस करेंगे हम जाके अपना घर। और पता नहीं कब आना होता है अब, क्योंकि जब जाते हैं तो साल भर तक ऐसे होता है कि आया नहीं जाता है। कभी कभार ही बीच में जब कोई इमरजेंसी पड़ती है तभी हम लोग घर आते हैं, और नहीं तो साल भर में ही आते हैं क्योंकि बच्चे छोड़े नहीं जाते हैं। इस वजह से हर बार हमारी कोशिश, वैसे हर बार मेरी कोशिश यही रहती है कि जब हम यहाँ तो इतना बुरा लगता है घर, मतलब अपने घर को ताला लगाना इतना बुरा लगता है, तब हम सोचते हैं कि हम ज़रूर एक बार बीच में आएंगे। लेकिन जब जाओ ना तो वहाँ फिर वहाँ से भी यही होता है कि छोड़ा नहीं जाता है बच्चों को अकेले, तो इस वजह से हम लोग अक्सर ज़्यादातर साल भर में ही आते हैं। तो यहाँ पर ये पीछे आप देख रहे होंगे सिद्धांत को, तो सिद्धू क्या कर रहा है, जो फिर से उस बार अभी हमने घर आके जो हमने घास निकाली थी ना, तो फिर से वो आंगन में छोटी छोटी घास फिर से उग चुकी है, तो सिद्धांत उसी को निकाल रहा है। देखिए आप पीछे, तो उसी को निकालने में लगा हुआ है, बोल रहा है कि इसको जो फिर से उग रही है ना छोटी छोटी घास, कि इसको निकाल देते हैं मम्मी, थोड़ा सा कुछ दिन तक आंगन साफ रहेगा। तो बरसात है तो कुछ दिन में ये फिर से वैसे का वैसे हो जाएगा, लेकिन क्या करें मजबूरियां हैं, इस वजह से जाना पड़ता है। लेकिन अपने घर मजबूरियां इस वजह से जाना पड़ता है, अपने वैसे तो अपने घर छोड़ने का मन किसी का नहीं करता है। तो ये हमारा घर है, ये देखिए, तो ये है हमारा घर। बहुत बार दिखा चुकी हूँ मैं आपको, काफ़ी टूट फूट चुका है, काफ़ी बर्बाद हो रहा है घर हमारा, छोड़ा हुआ घर देखिए। ये घर, ये आंगन हमारा, ऐसे पत्थर के आंगन होते हैं गांव में, ये देखिए। और ये हमारा ओखल, पत्थर का ओखल, इसको बंद कर देती हूँ मैं, ये बंद कर दिया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो अभी देखिए हम लोग सुबह के 6:15 बजे का टाइम हो चुका है और हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो 4 बजे हम लोग उठ चुके थे और कल रात थोड़ा बारिश नहीं हुई, इस वजह से मौसम थोड़ा अभी ठीक लग रहा है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है। तो बस तैयारी हो गई है सब जाने की, देखिए बच्चे पीछे बैठे हुए, ताला तोला लग रहा है, सब पैकिंग हो गई है, ताले बंद हो गए हैं घर के। अब अगले साल आएंगे, आप लोगों को भी मिलवाएंगे अपने घर से फिर से। तो जब भी हम जाते हैं एक लाइट हम हमेशा बाहर खुली छोड़ के जाते हैं, ये ऊपर देखिए छोटा सा बल्ब एक हमेशा जलता रहता है हमारा, क्योंकि हम सोचते हैं जब हम चले जाएंगे तो घर हमें अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, तो इस वजह से वो लाइट हमेशा खुली रहती है हमारी। तो एक बार हमारे घर को देख लीजिए, इस रास्ते जाएंगे हम अभी, जिस रास्ते मैंने आपको पहले दिखा रखा है ना खेतों के रास्ते, तो वहाँ से हमें शॉर्ट पड़ता है, ये यहाँ से शॉर्ट पड़ता है और यहाँ से हम गांव के रास्ते से जाते हैं। तो अक्सर हम इस खेतों के रास्ते से जाते हैं क्योंकि वहाँ से हम जल्दी सड़क तक पहुँच जाते हैं, तो 10-15 मिनट नीचे पहुँचने में लगेंगे हमारे, और उसके बाद वहाँ से हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के। तो ये सामान आ गया है,
ये देख बोल तड़ पास वाले। हाँ चलो चलो चलिए चलते हैं। ये हमारा घर। तो चलिए चलते हैं। घर दिखा रही जाते जाते। तो यहाँ से सड़क तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं हमारे, और ये और आगे पहुँच चुके हैं, मैं ही सबसे पीछे हूँ।